ये देखिए, ये है घर पर बनी हुई किशमिश। लग रही है ना एकदम मार्केट के जैसी। तो ये जो किशमिश है ना, इन्हें हमने घर पर बनाया है बहुत ही आसान तरीके से। बिना अंगूर को बॉईल किए हुए घर पर इतनी अच्छी किशमिश बना सकते हैं, और ये किशमिश खाने में भी बहुत टेस्टी होगी। तो चलिए आज हम घर पर बनाते हैं अंगूर से किशमिश। और ये घर पर किशमिश बनाने का तरीका है ना, वो सबसे अलग है और बहुत ही आसान तरीका है। जूसी और सॉफ्ट किशमिश बनकर के तैयार होगी अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो। किशमिश बनाने का ये तरीका आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। किशमिश बनाने के लिए हमने लिए हैं 1 किलो अंगूर। और जो ये अंगूर हैं, ये एकदम मीठे हैं। ध्यान रखिए, अंगूर जितना ज़्यादा मीठा होगा ना, किशमिश वजन में भी ज़्यादा बनेगी और मीठी भी बनेगी। तो यहाँ पर हमने एकदम साफ अंगूर लेने हैं। इस तरीके के पिचके हुए अंगूर हमें निकाल देने हैं। अब अंगूर को हम पानी से अच्छे से वॉश कर लेते हैं 2 से 3 बार। और अब मैंने एक स्ट्रेनर लिया है, क्योंकि आज हम अंगूर को बॉईल नहीं करेंगे, अंगूर को करेंगे स्टीम। स्टीम करने के लिए मैंने ये छलनी ली है और इसमें ये अंगूर इस तरीके से तोड़ के डाल देंगे। बॉईल करने से क्या होता है, अंगूर का जो कलर है वो भी ख़राब होगा और उसकी जो मिठास है वो भी कम हो जाती है। तो मैं इसी तरीके से किशमिश बनाती हूँ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, एकदम साफ अंगूर लेने हैं हमें। तो एक एक करके हमने अंगूर को तोड़ करके स्ट्रेनर में डाल दिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। और गैस पर हमने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी में अच्छा बॉईल आ रहा है तो ये स्ट्रेनर हम इसके ऊपर रख देते हैं। और अब हमें हाई फ्लेम पर 12 से 15 मिनट के लिए अंगूर को स्टीम कर लेना है। तो अंगूर को हम ऊपर से अच्छे से कवर कर देते हैं। ये काम आप इडली स्टैंड में भी कर सकते हैं। फ्लेम को हम हाई पर रखेंगे और हर 3 से 4 मिनट में हम अंगूर को फ्लिप करते रहेंगे, जिससे कि जो ऊपर के अंगूर है वो नीचे आ जाएं और अच्छे से सारे अंगूर स्टीम हो सकें। ये देखिए, इस तरीके से हमें हिला देना है और फिर से कवर कर देना है। तो देखिए, यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं और ये अंगूर अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। ये देखिए, अंगूर में हल्का कट लगना शुरू हो गया है और ये काफ़ी सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि अंगूर पके हैं या नहीं। अंगूर में 90% पानी होता है, तो 50% पानी तो इसे स्टीम करने से ही पक जाएगा, और जो बाकी का बचा हुआ पानी है, जब हम इसे ड्राई करेंगे तो वो सूख जाएगा। अंगूर को ड्राई करने के लिए हमने यहाँ पर एक प्लास्टिक बास्केट ली है। इसके ऊपर हम एक कॉटन क्लॉथ लगा देते हैं और एक एक करके हम अंगूर लगा देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने अंगूर लगा दिए हैं। अब है तो इस तरीके की प्लेट में भी कॉटन क्लॉथ लगाकर अंगूर को सुखा सकते हैं। ये देखिए, अब जो ये अंगूर है ना, इन्हें हमें डायरेक्ट तेज़ धूप में सुखाना नहीं है। इन्हें हमें 10 से 12 घंटे के लिए पंखे की हवा में या फिर छाया में ही सुखाना है। अगर आपने डायरेक्ट धूप में सुखा दिया तो जो किशमिश बनेगी ना, वो एकदम पतली बनेगी और उसका सारा जूस ड्राई हो जाएगा, तो वो किशमिश खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी। देखिए, हमने किशमिश को कवर कर दिया है इस तरीके से, और अब हम इन्हें हवा में रख देते हैं। हवा में रखने के बाद में अगले दिन मैंने इसे धूप में रखा है, लेकिन डायरेक्ट धूप में नहीं रखा है, हल्की छाया में, जिससे इन अंगूर को हवा भी लगती रही और हल्की धूप भी लगती रहे। इस तरीके से अगर आप अंगूर सुखाएंगे तो किशमिश बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर अंगूर को ना तो ज़्यादा तेज़ धूप लगे और इन अंगूर को हवा लगती रहे, ऐसी जगह पर आपको रखना है। डायरेक्ट तेज़ धूप में अंगूर को ना सुखाएं। और ये देखिए, हल्की धूप में सुखाने के बाद शाम को ये अंगूर इस तरीके के दिखाई देंगे। तो अब मैंने इन्हें फ्लिप कर दिया है। तो एक दिन की हल्की धूप में सुखाने के बाद ये देखिए, ये किशमिश बनकर के तैयार है। अब मैं इसे एक दिन के लिए और हल्की धूप में सुखाऊंगी, जिससे ये एकदम ड्राई हो जाएंगी। तो देखिए, अगले दिन मैंने इन्हें फिर से हल्की धूप में सुखाया है, और 2 दिन की हल्की धूप में ये किशमिश अच्छे से बन करके तैयार हो चुकी है। और ये घर पर किशमिश बन करके तैयार है, जूसी है और सॉफ्ट है। ये देखिए, मैं मोड़ कर दिखाती हूँ आपको। देखिए कितने अच्छे से ये मुड़ रही है। तो ऐसे ही किशमिश आप घर पर बना सकते हैं अगर आप वीडियो में दिए गए सभी टिप्स को फॉलो करेंगे। और ये जो किशमिश है, इन्हें मैंने तेज़ धूप में सुखाया था, और ये देख सकते हैं आप कितनी ड्राई हैं और काफ़ी हार्ड भी हैं। इन किशमिश में कोई भी टेस्ट नहीं है।
अब हम इन किशमिश को वेट करके देखते हैं कि ये वजन में कितनी है। और ये देखिए मैंने जीरो पे ला दिया इसे। अब हम इन किशमिश को डालते हैं। तो देखिए 142 ग्राम किशमिश बनकर के तैयार हुई है। 1 किलो से थोड़े से कम थी अंगूर। देखा आपने कितना आसान है घर पर किशमिश बनाना। किशमिश बनाने के लिए हमें एक ही बात का ध्यान रखना है, इन्हें ज़्यादा तेज़ धूप में ना सुखाएं। ऐसी धूप में सुखाएं जिसमें इनको हवा भी लगती रहे और हल्की धूप भी लगती रहे। ये देखिए किशमिश बहुत ही अच्छे से बनी है, एकदम सॉफ्ट हैं और जूसी हैं। आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया घर पर किशमिश बनाने का तरीका। आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइएगा। आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।